हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर ट्वेंटी यूज ऑफ यस और नो। तो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है यस एंड नो, है ना बच्चों। यस, यस का मीन्स होता है हाँ या सही, और नो का मीन्स होता है नहीं। क्या होता बच्चों? नहीं, है ना बच्चों। अब जैसे कि अगर अपन कुछ भी चीज रखे, है ना, और अगर वो देखे हमारी उसकी पोजीशन क्या दिख रही है बच्चों, अगर वो है तो उसके लिए यस, अगर वो नहीं है तो उनके लिए नो। तो बच्चों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है उसका मैं सेंटेंस बताऊंगी बच्चों कि ये यस और नो कहाँ यूज किया जाता है ना बच्चों। तो लेते हैं इनका कुछ एग्जांपल। देखे बच्चों, सबसे पहले लेते हैं अपन यस, यस और नो, है ना बच्चों। यस मीन्स क्या होता है? हाँ, और नो का मीन्स होता है बच्चों नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों अपन कि इज दिस ए पेन, इज दिस ए पेन, है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, ये मैंने क्यों लिखा इज दिस ए पेन। अगर मान लो बच्चों, अगर आपको पिक्चर्स पेन की दिखाई दे या किसी और की, है ना बच्चों, तो उसी के आधार पर हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, है ना बच्चों। क्योंकि इज का मीन्स है और दिस मीन्स यह, और पेन यह पेन है। तो बच्चों, अपन देखें कि पिक्चर किसकी दे रखी है, है ना बच्चों। तो उनका सेंटेंस क्या बनेगा? नो, क्या बनेगा? नो दिस इज ए पेंसिल, दिस इज ए पेंसिल। अब देखो बच्चों, यह मैंने नो क्यों लिखा, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं कि इस दिस से पेन, यह पेन है, लेकिन पिक्चर किसकी दिखाई दे रही बच्चों? पिक्चर्स है पेंसिल की। किसके बच्चों? पेंसिल की, है ना बच्चों। इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया मैंने? नो, क्योंकि बात पेन की कर रहे हैं लेकिन पिक्चर्स हमें पेंसिल की दिखाई दे रही, है ना बच्चों। इसलिए हमने क्या लिखा? नो दिस इज ए पेंसिल, यह पेंसिल है, यह पेंसिल है, है ना बच्चों। अब लेते इसी का कुछ एग्जांपल और, जैसे कि इज दिस ए कैट, इज दिस ए कैट, क्या यह कैट मीन्स यह बिल्ली है। तो बच्चों, पिक्चर्स देखे अपन, पिक्चर किसकी दिखाई दे रही है? यस, क्या होगा इसमें? यस दिस इज ए कैट, यस, यस मीन्स हाँ, दिस इज ए कैट, हाँ यह एक बिल्ली है, है ना बच्चों। क्योंकि पिक्चर किसकी दे रखी है? बिल्ली यानी कि कैट की, और बात किसकी करे के इज दिस ए कैट, यह बिल्ली है, यस यह एक बिल्ली है, ना बच्चों। जो करेक्ट पिक्चर्स के लिए अपन क्या यूज करेंगे? जो सही है उसके लिए अपन यूज करेंगे यस, है ना बच्चों। अब लेते कुछ और एग्जांपल इसका, जैसे कि इज दिस ए मैंगो, इज दिस ए मैंगो, यह आम है, यह आम है। बच्चों सी द पिक्चर्स, पिक्चर किसकी दिखाई दे रही बच्चों? नो दिस इज एन एप्पल, क्या होगा इसमें? नो, नो दिस इज एन एप्पल, है ना बच्चों। नो दिस इज एन एप्पल, यह मैंगो की पिक्चर्स नहीं है, यह एक एप्पल मीन्स सेव की पिक्चर्स दे रखी है ना बच्चों, यह एक सेव है, है ना बच्चों। बात किसकी कर रहे थे बच्चों? मैंगो की, लेकिन पिक्चर किसकी दे रखी है?
एप्पल की। तो इसीलिए हमने क्या यूज किया बच्चों, नो, क्योंकि जिसकी बात कर रहे हैं उसके लिए नहीं, है ना बच्चों। देखिए हम कुछ और एग्जांपल इसी का, जैसे कि इज दिस ए जग, इज दिस ए जग, यह जग है। पिक्चर्स देखो बच्चों किसकी दिखाई दे रही है, नो, क्या यूज होगा इसमें, नो, दिस इज ए बनाना, है ना बच्चों, नो दिस इज ए बनाना। यह जग की पिक्चर्स नहीं दे रखी है, यह तो बनाना मीन्स यह तो केला की है, यह एक केला है। पिक्चर किसकी दे रखी है बच्चों, बनाना की, है ना बच्चों। इसलिए हमने क्या यूज किया बच्चों, नो। ये एग्जांपल समझ में बच्चों कि अपन उसकी पोजीशन की जो पिक्चर्स देखते हैं बच्चों कि वह पिक्चर्स क्या है, अगर वह करेक्ट है तो उसके लिए अपन यस लगाएंगे, क्या यूज करेंगे बच्चों, यस। अगर वह जिसकी बात कर वो पिक्चर्स नहीं है तो उसके लिए अपन यूज करेंगे बच्चों, नो, क्या यूज होगा उसमें, नो। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है यस एंड नो, तो स्टार्ट करें बच्चों हमारा आज का टॉपिक। तो बच्चों अब लेते हैं हमारा आज का टॉपिक, है ना बच्चों। देखिए सबसे पहले क्या दे रखा बच्चों, इज दिस एन एप्पल, इज मीन्स है, दिस मीन्स यह, एन एप्पल, एप्पल मीन्स सेव, यह सेव है। तो बच्चों पिक्चर्स किसकी दिखाई दे रही है बच्चों, यस 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 मीन्स हाँ, इज दिस एन एप्पल, हाँ यह एक सेव है ना बच्चों, क्योंकि पिक्चर्स किसकी थी बच्चों, एप्पल की। तो इसमें क्या है, यस, क्योंकि जिसका बोला है जिसकी है वह करेक्ट है ना बच्चों, इसलिए क्या है, यस दिस इज एन एप्पल, यह एक सेव की पिक्चर्स है ना बच्चों। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, इज दिस ए कैट, इज मीन्स है, दिस मीन्स यह, एक कैट यानी कि एक बिल्ली, यह एक बिल्ली है बच्चों। तो पिक्चर्स किसकी दिखाई दे रही बच्चों, यह एक बिल्ली नहीं है, तो नो, क्या ये इसमें, नो नहीं, दिस इज ए लायन, देखो दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, ए लायन, लायन मीन्स एक, से यह एक शेर है ना बच्चों। तो इसमें क्या यूज हुआ, नो, क्योंकि बात किसकी कर रहे थे बच्चों, कैट की पिक्चर्स की, कैट है क्या, नहीं, यह एक शेर है ना बच्चों। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, इज दिस ए शॉर्टनर, इज मीन्स है, दिस मीन्स यह, ए शॉर्टनर, यह एक शॉर्टनर है। तो बच्चों पिक्चर्स किसकी दिखाई दे रही है बच्चों, नो, क्या है इसमें, नो, यह एक शॉर्टनर नहीं है। तो क्या यूज हुआ इसमें, नो नहीं, दिस इज एन इरेजर, यह एक इरेजर है, क्या यह एक इरेजर है ना बच्चों। इरेजर का मीन्स क्या होता है बच्चों, रबड़, है ना। तो किसकी पिक्चर्स की बात कर रहे थे, शॉर्पनर की, लेकिन यह एक शॉर्पनर नहीं है, यह एक इरेजर की पिक्चर्स दे रही थी, है ना बच्चों। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, तो बच्चों अब लेते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस, इज दिस ए बस, इज मीन्स है, दिस मीन्स यह, ए बस, यह एक बस है। तो बच्चों पिक्चर्स किसकी दिखाई दे रही है बच्चों, यह एक बस नहीं है। तो क्या यूज है उसमें, नो, दिस इज ए ट्रेन, यह एक बस नहीं है, यह एक ट्रेन है, क्या है बस बच्चों, यह एक ट्रेन है ना बच्चों। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस,
इज दिस एन अम्ब्रेला। देखो बच्चों, इज मीन्स है, दिस मीन्स यह, एंड अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स छाता। यह एक छाता है बच्चों, तो सी द पिक्चर्स, करेक्ट, यस यस, दिस इज एन अम्ब्रेला। हाँ, यह एक छाता है, यह एक छाता है ना बच्चों, क्योंकि बच्चों किसकी बात कर रहे थे, अम्ब्रेला की, लेकिन हाँ यह एक छाता है क्योंकि पिक्चर किसकी देख के बच्चों, अम्ब्रेला की। देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, इज दिस ए बुक, इज मीन्स है, दिस मीन्स यह, ए बुक एक किताब, यह एक किताब है, यह एक किताब है, सीधा पिक्चर्स बच्चों, तो यह एक किताब है, नो क्या है, नो दिस इज एन एप्पल, नो यह एक किताब नहीं है, यह एक सेब है, यह एक सेब है ना बच्चों, क्योंकि पिक्चर किसकी दे रखी है बच्चों, एक एप्पल में सेब की पिक्चर्स दे रखी है, तो इसमें क्या यूज हुआ, इसमें नो, क्योंकि बात किसकी कर रहे थे बच्चों, बुक से, बुक यानी कि एक किताब है, लेकिन ये एक सेब की पिक्चर्स है। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है, आपको समझ में आया यस और नो कैसे यूज किया जाता है बच्चों, कुछ एग्जांपल देखिए आप, जैसे कि मैंने आपको टॉपिक पढ़ा है जिसके पिक्चर्स क्या दे रखे बच्चों, जो पिक्चर्स दे रखी है, पिक्चर्स के अकॉर्डिंग ही हम उसमें यस एंड नो यूज करते हैं, है ना बच्चों, अगर वो पिक्चर्स करेक्ट है और जिसकी बात हो रही है तो उसके लिए अपन यस यूज करेंगे, और जो पिक्चर्स दे रखे उसकी बात नहीं हो रही है तो उसके लिए अपन नो यूज करेंगे, है ना बच्चों। तो अब हम लेते हैं प्रैक्टिस टाइम, तो बच्चों अब लेते हैं प्रैक्टिस टाइम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ यस और नो। अब देखो बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, अब जो सेंटेंस दे रही है उसको अपन को क्या करना है बच्चों, कंप्लीट करना है, यानी कि पूरा करना है, लेकिन विथ, विथ मीन साथ में, इसके साथ में इसको सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे बच्चों, यस और नो, यस और नो के साथ में है जो सेंटेंस, उसको कंप्लीट करेंगे, है ना बच्चों। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों, इज दिस ए लायन, अब देखो बच्चों, इज दिस ए लायन, यह एक शेर है बच्चों। तो बच्चों अपन सबसे पहले ये सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चों, अपन उसकी पिक्चर्स, है ना बच्चों, वो पिक्चर्स किसकी दे रखी है बच्चों, किसकी है बच्चों, वह यह एक शेर है, तो इसमें क्या राइट होगा, इसमें बच्चों नो, क्या होगा इसमें नो, है ना, नो इट इज नॉट, यह एक शेर नहीं है, यह एक शेर नहीं है, ए is an elephant, यह एक हाथी है, यह एक हाथी है ना बच्चों। अब इसमें मैंने नो यूज किया क्योंकि बच्चों बात किसकी कर रहे थे, लायन की, लेकिन पिक्चर्स किसकी दे रखे बच्चों, एलिफेंट की, किसके बच्चों, एलिफेंट की, है ना, तो इसलिए हमने क्या यूज किया इसमें, नो, है ना बच्चों। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस बच्चों, इज दिस ए केक, यह एक केक है बच्चों, तो पिक्चर किसकी दे रखी है बच्चों, यह एक केक नहीं है, तो इसमें अपन क्या राइट करेंगे इसमें बच्चों, नो, क्या यूज होगा इसमें, नो इट इज नॉट, यह नहीं है, यह एक केक नहीं है, इट इज एन आइसक्रीम, यह एक आइसक्रीम है ना बच्चों। तो इसमें आपने राइट किया क्या बच्चों, नो, है ना बच्चों। तो ये इसके नो के यूज के सेंटेंस के साथ में हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, है ना बच्चों, क्योंकि जिसकी बात कर रहे हैं वो नहीं है, तो उसके लिए अपने यूज किया बच्चों नो, है ना बच्चों। देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, तो बच्चों अब लेते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, देखिए, इज दिस द ट्री,
अब देखो बच्चों, इस मीन्स है, दिस मीन्स यह, द ट्री यह पेड़ है। तो बच्चों पिक्चर्स दिखाई दे रही है आपको, इसकी पिक्चर्स दे रखी हो, यह पे क्या यूज होगा इसमें, यस क्या यूज होगा इसमें, यस इट इज ट्री, यह एक पेड़ है ना बच्चों। अब इसमें यस यूज किया मैंने क्योंकि बच्चों पिक्चर्स ट्री की है ना बच्चों, पिक्चर्स ट्री की है इसलिए हमने क्या यूज किया बच्चों, यस है ना। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, इज सी ए नर्स। देखो बच्चों, इज सी ए नर्स, यह एक नर्स है। तो बच्चों पिक्चर्स किसकी दिखाई दे रही है बच्चों, तो इसके अंदर अपन क्या राइट करेंगे, इसमें राइट होगा यस है ना, क्या यूज होगा इसमें, यस इज ए नर्स, यह एक नर्स है ना बच्चों, जिसकी बात करते हैं पिक्चर्स किसकी देखते हैं बच्चों, नर्स की। देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, इज दिस एन अम्ब्रेला। अब देखो बच्चों, यह एक छाता है, यह एक छाता है। तो बच्चों पिक्चर्स देखो, अपन पिक्चर किसकी दिखाई दे रही है बच्चों, नो, क्या यूज होगा इसमें, नो, क्योंकि बच्चों नो इट इज नॉट, यह नहीं है, यह एक अम्ब्रेला नहीं है। इट इज ए बॉल, यह एक बॉल है ना बच्चों, यह एक बॉल है। और बात किसकी कर रहे थे बच्चों, अम्ब्रेला की, लेकिन अम्ब्रेला की पिक्चर्स तो नहीं है, है ना बच्चों, तो इसलिए हमने क्या यूज किया इसमें, नो इट इज ए बॉल, यह एक बॉल है। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक आपको समझ में आया कि यस और नो कैसे यूज किया जाता है और किस तरह के सेंटेंस के साथ में इसको यूज करते हैं बच्चों, इसका एग्जांपल देगा। और आज का जो हमारा टॉपिक था आपको समझ में आया, अगर नहीं है इसको अच्छे से समझे और अच्छे से देखे, और जो मैंने प्रैक्टिस टाइम करवाई है बच्चों, आप इसको घर पर बैठकर अच्छे से इसका होमवर्क कीजिए है ना बच्चों, और आप इसका जो सेंटेंस बनाए और यस और नो उसके साथ में यूज कीजिए बच्चों आप, है ना। तो घर पर बैठकर आप इसका होमवर्क जरूर कंप्लीट करें और इसको अच्छे से समझे, आप इसके सेंटेंस बनाए, इसके तो आप इसके भी प्रैक्टिस टाइप कर सकते हो। थैंक यू।